नमस्कार। पिछले वीडियो में जब हम कोकेडामा बना रहे थे तो ये पौधा मेरे पास पड़ा हुआ था और आप सबको ये बहुत पसंद आया था। बहुत इंक्वायरीज आई कि इस पौधे का नाम क्या है, तो इस पौधे का नाम है फिडल लीफ फिग। आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे पता था जब ये देख लिया है आपने तो आप उसे खरीद के जरूर लाएंगे। और खरीदने के बाद हमें सबसे पहली जरूरत होती है ये जानने पहचानने की कि इस पौधे को क्या जरूरत है। इस प्लांट के बारे में आज पूरी बातें करेंगे इस वीडियो में। साथ ही कई दफा फरमाइश आ रही थी कि वाटरफॉल दिखाइए, तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाटरफॉल इन मिनिएचर गार्डन एक बना हुआ है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के आखिर में, तो देखते रहिए आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू प्लांट पार्क। अब बात करते हैं इस पौधे की जिसे फिडल लीफ फिग कहते हैं और इसका नाम फाइकस लायरेटा भी है। ये पौधा बेसिकली रेन फॉरेस्ट का पौधा है, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ ये उगता है, तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का पौधा है। कांस्टेंट टेम्परेचर इसे पसंद है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस पसंद नहीं है, तो साउथ इंडिया के जितने भी शहर हैं, चेन्नई, बैंगलोर, बॉम्बे, पूना, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इसे बेहद पसंद है, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। बाकी के जो हिस्से हैं उनमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसका, जब ह्यूमिडिटी लेवल कम है वहाँ इसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, साथ ही ये ह्यूमिडिटी लेवल भी कंट्रोल करता है क्योंकि ये बहुत ह्यूमिडिटी अब्सॉर्ब करता है। आपके कमरे में जितनी ह्यूमिडिटी है इसके बड़े बड़े पत्ते अब्सॉर्ब करते हैं, तो आपके कमरे की ह्यूमिडिटी लेवल को भी ये मेंटेन करके रखता है। इसकी दूसरी अच्छी बात ये है कि ये लो लाइट कंडीशंस में भी बहुत अच्छे से रहता है, और इसीलिए जो आपके ऑफिस एरियाज हैं, जो इंडोर्स एरियाज हैं जहां पे कम रोशनी आती है वहां भी ये रहता है। हाँ, बेशक आपको कभी कभी इसको धूप में तो रखना पड़ेगा, लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये अंदर रह सकता है। दूसरे प्लांट्स को अगर हमें 4-5 दिन में धूप दिखाने की जरूरत होती है तो इसे आप 15 दिन में अंदर रख करके एक दफा बाहर ले जाकर के धूप अच्छे से दिखा देते हैं तो ये अच्छे से चल जाता है। बारिश इसका पसंदीदा मौसम है, तो अभी जैसी बारिश चल रही है इसे पूरी बारिश में रख सकते हैं, और जब ये बारिश में नहाता है तो इसे बहुत मजा आता है। इसकी बेसिक नीड्स को समझने के बाद अब मैं आपके साथ ऐसे 7 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि जब आप फाइकस लायरेटा को खरीद के लाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान खास तौर से रखना है ताकि आपका फिडल लीफ फिग बहुत अच्छे से चले। सबसे पहली जरूरी बात है कि इसका ड्रेनेज होल बहुत प्रॉपर होना चाहिए। जिस भी पॉट में आप डाल रहे हैं सबसे पहले उसका ड्रेनेज होल चेक कीजिए, बहुत बड़ा ड्रेनेज होल हो ताकि पानी कभी भी नहीं रुके। सबसे ज्यादा अगर फिडल लीफ फिग खराब होता है तो वो रूट रॉट की वजह से होता है। और दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड, इसका प्रॉपर सॉइल मिक्स, जिस मिट्टी में हमें इसे लगाना है वो सॉइल मिक्सचर बहुत लाइट होना चाहिए। आपका जो भी सॉइल मिक्स है उसमें 50% कोकोपीट रखिए, 25% सॉइल और 25% कंपोस्ट की मात्रा का जो सॉइल मिक्स बनता है उस सॉइल मिक्स में फिडल लीफ पे बहुत आराम से रहता है। तीसरी जरूरत होती है कि इसका पॉट कैसे लेंगे। इस प्लांट को बहुत बड़ा पॉट पसंद नहीं है, नॉर्मल साइज के पॉट में इसे लगाइए, और जब आपको लगता है कि ये रूट बाउंड हो गया, रूट बाउंड होने का मतलब है आपको ड्रेनेज होल से जड़ें दिखाई दे रही हैं या मिट्टी के ऊपर आपको इस पौधे की जड़ें दिखाई दे रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब रूट्स पूरी भर चुकी हैं, अब इसको थोड़ा बड़ा प्लांटर चाहिए। बस उस समय इसको निकाल करके रिपॉट कर लीजिए, लेकिन स्लाइटली बिगर प्लांटर में। जहां तक इसकी वाटरिंग की बात करें, इसे कॉन्स्टेंट वाटरिंग चाहिए लेकिन एक्सेसिव वाटरिंग नहीं चाहिए, और न इररेगुलर वाटरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पानी दिया फिर 4 दिन बाद दिया, फिर पानी दिया फिर 7 दिन बाद दिया, इस तरीके से नहीं। एक बार आप इसका देख लीजिए कि आपने जहां इसको रखा है 2 इंच मिट्टी कब सूखती है, उसके बाद आपको पानी देना है। अगर ये मिट्टी आपकी 15 दिन में सूख रही है तो आपको हर 15 दिन में पानी देना है। अगर 2 इंच की मिट्टी आपकी 10 दिन में सूख रही है तो आपको हर 10वें दिन पानी देना है। सो ये आपके एरिया, आपके प्लेसमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कितने दिन के बाद पानी देना है। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करते हैं तो इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकिन लगातार कंपोस्टिंग चाहिए। जैसे हर महीने आपने इसको आधी मुट्ठी कंपोस्ट दे दिया, बहुत ज्यादा नहीं देना है, जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा देने से नुकसान हो सकता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा, आधी मुट्ठी दे दिया, फिर 1 महीने के बाद फिर आधी मुट्ठी दे दिया, ऐसे रेगुलर। तो एक तरीके से फिडल लीफ फिग को रेगुलरिटी पसंद है, चाहे वो फर्टिलाइजर में है चाहे वो वाटरिंग में है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की, 2 जगह हो सकती है, या तो आप इसको घर के अंदर रखेंगे या बाहर रखेंगे। अगर हम इसको घर के बाहर रख रहे हैं तो कोई भी ऐसी जगह पे रखिए जहां छनी हुई धूप आती है, थोड़ी सी देर की छनी हुई हल्की हल्की धूप इसको रोज लगती रहेगी, वो इसके लिए सबसे अच्छा है। अगर हम इसको इंडोर रखते हैं, अपने घर के अंदर किसी ऐसी जगह रखते हैं जहां खिड़की के पास रखा है, वहां से थोड़ी धूप आती रही है,
वो भी उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। खिड़की खोल दीजिए, कभी कभी ठंडी हवा आ जाए और खिड़की में से धूप आती रहे तो आपको इसकी प्लेस बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी ऐसे होता है कि किसी ऑफिस में या किसी घर में ये उसी कोने में अच्छा लग रहा है और वहां पे धूप बिल्कुल नहीं आ रही है, तो उसका ऑप्शन ये होता है कि हम इसको ओकेजनली बाहर ले जाएं और बहुत ठंडी ठंडी सी धूप इसको दिखाते रहें और फिर इसको वापस अंदर ले आए। जब हम धूप की बात कर रहे हैं तो एक और बात करना है इसमें बहुत जरूरी है, ये प्लांट हमेशा धूप की तरफ लीन करता है। जिस तरफ से धूप आ रही है ये इस तरीके से उस तरफ झुकने लग जाएगा, तो आपको बार बार इसकी डायरेक्शन बदलते रहना चाहिए। इसकी जो शेप है उसको सीधा मेंटेन कर सकते हैं अगर आप इसकी डायरेक्शन को बदलते जाएंगे। अगर हम डायरेक्शन नहीं बदलेंगे तो धीरे धीरे, अगर उधर से सन आ रहा है तो ये धीरे धीरे ऐसे मुड़ता जाएगा और इस तरीके से ऐसी शेप ले लेगा। अब हम आखिरी बात करते हैं इसकी एक सीक्रेट की। इसे कॉफी ग्राउंड्स बहुत पसंद है, तो जब भी हम फिल्टर कॉफी बनाते हैं तो जब उसका रेजिड्यू होता है वो आप इसमें डालते रहिए तो इसकी पत्तियों में एक अलग चमक बनी रहेगी, इसको स्ट्रेंथ मिलेगी और इसकी पत्तियों में शाइनिंग भी आएगी। कई पौधों के साथ ऐसा होता है कि जब नीचे की पत्तियां गिर जाती हैं तो वहां से नई पत्तियां या नई ब्रांचेस आ जाती हैं, लेकिन फिडल लीफ पिक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर नीचे की पत्तियां गिरती गई ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेंथ, वहां से दोबारा पत्ती नहीं आती है। जहां तक पत्तियों के आने की बात है, 1 से 1.5 महीने के बाद आपको एक साथ इसमें पत्तियां आती दिखेंगी और वो जोड़े में आती हैं, या तो 2 आएंगी या 4 आएंगी, और वो सब डिपेंड करता है आपने उसको कितनी ताकत दे रखी है। अभी मेरी भी 1.5 महीने बाद 4 नई पत्तियां आई हैं इसमें। इस प्लांट की अगर हम जनरल एक और बात करें तो वो है इसकी शेप मेंटेनेंस। आप इसकी कैसी शेप चाहते हैं ये सब आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरीके से सीधा चलता जाए जैसे ये मेरा जा रहा है, तो आप इसको कुछ मत करिए, ऐसे ही चलते जाने दीजिए। जब तक ये ऐसे अच्छा लग रहा है मैं भी इसे ऐसे ही रखूंगी। ग्रेजुअली अगर मुझे लगेगा कि नीचे की पत्तियां झड़ती जा रही हैं तो मैं इसको ऊपर से चॉप कर दूंगी ताकि नीचे की स्टेम जो है वो खाली रहेगी और ऊपर से जहां से हम इसको चॉप करेंगे वहां से ब्रांचेस आने लग जाएंगी। तब मेरा फ्यूचर में पौधा ऐसा बनेगा कि एक तने जैसी चीज है और फिर ब्रांचिंग हो रही है। पौधा कितना भी सुंदर हो वो तभी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है जब वो तरोताजा दिखे। और इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें जरूरत होती है इसके पत्तों को साफ करने की। पानी में विनेगर डाइल्यूट करके उसमें एक कपड़ा भिगो करके इन पत्तियों को इस तरीके से साफ कर लीजिए। बहुत प्यार से धीरे धीरे इस तरीके से इन पत्तियों को पोंछ लीजिए तो इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी और पत्तियां चमकदार लगेंगी। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन फिडल लीफ पिक के बारे में। और जैसा कि आपने चाहा कि एक वाटरफॉल दिखाऊं, तो ये एक वाटरफॉल है जिसमें सिंपली पानी भरा हुआ है और ये वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं। ये है अम्ब्रेला पाम और ये है पेनीवॉर्ट। पानी में ही चलने वाले पौधे हैं और इसमें एक छोटा सा वाटरफॉल होता है जो मेरे ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। ये मैं अभी आपको चला के दिखाती हूँ। ये मिनिएचर गार्डन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। और अगर आप तरह तरह के मिनिएचर गार्डन बनाने के लिए एक पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा एक कंप्लीट कोर्स है जो कि ग्राफी ऐप पे अवेलेबल है। उसमें मैंने हर तरीके के मिनिएचर गार्डन एक्सप्लेन किए हैं, सब दिखाए हैं, ये भी उनमें से एक है। तो आप उस ग्राफी को देख सकते हैं, ग्राफी ऐप पर जाकर के आर्ट ऑफ मिनिएचर गार्डनिंग सर्च कीजिए, आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा और वहां आप मिनिएचर गार्डन पूरी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए इन सभी वीडियोस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।